ये क्वेश्चंस पर्टिकुलर जो मैं लिखने जा रहा हूँ, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ऐसे क्वेश्चंस की सीबीएसई लेवल पे जो हम पढ़ते हैं उसमें दिया रहता है कि जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर अपीयर होता है तो उस पर कैसे वर्कआउट करना होता है। ये मैं एक क्वेश्चन लूंगा, इससे यहाँ पे दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी। आप उस लेवल का वो जो क्वेश्चंस थे उस पर कैसे वर्कआउट करना वो भी सीख लेंगे और उसको हम आगे सॉल्व करते हैं किस तरह से जाएगा। देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1/√2 x माइनस कॉस ऑफ साइन इनवर्स x, 1 माइनस टेन ऑफ साइन इनवर्स x, राइट? एंड दिस दैट यू हैव टू प्रूव इक्वल्स टू -1/√2। मान लीजिए ये दिया हुआ है आंसर, शो करने का है। नहीं दिया होता तो ऑब्जेक्टिव देना होता तो उसको हटा देता, आगे लिख देता इवेल्युएट और चार ऑप्शन लिख देता, 1/√2, √2, -1/√2, इस तरह से चार ऑप्शन उसमें डाले जा सकते थे। देखिए, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में वर्किंग का मेथड था, ये बिल्कुल 12 CBSE लेवल का ही है सवाल, कि उसमें हम ऐसा करते थे जहाँ साइन इनवर्स एक्स आए तो उसको लिख लेते थे हम, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स है तो हमें जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू लिखेंगे एज साइन π/2 की वैल्यू, साइन सॉरी π/4 की वैल्यू, साइन π/4 इक्वल्स टू 1/√2, ठीक है। तो ऐसा होगा कि यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को हम ले लेंगे, लेट कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू को लेट करेंगे, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी, तो एक्स क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू साइन टी हो जाएगा। और अगर इसका एक्स टेंड्स टू 1/√2 है तो यहाँ पे लिख लेंगे, एक्स की जगह 1/√2 लिख लेंगे, दिस इज 1/√2, ठीक है, इक्वल्स टू साइन टी। और तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको 1/√2 और लिख सकते हैं साइन π/4 इक्वल्स टू साइन टी। सो टी टेंड्स टू साइन, इसको पहले मैं आगे लिख रहा हूँ, सो साइन टी इक्वल्स टू साइन π/4 हो जाएगा, सो टी इक्वल्स टू π/4 हो जाएगा। तो ये हमने वैल्यू इक्वल लिख दी है, जबकि उसमें एक्स जा रहा है, एक्स जा रहा है, एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स 1/√2, तो अगर यहाँ टेंडिंग का साइन भी लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं, सो टी टेंड्स टू π/4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम ये चेंज करेंगे कि हम ऐसा लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स को टी लिखेंगे या एक्स को साइन टी लिखेंगे, ये लेट हो गया यहाँ पे, ये दोनों चीजें। तो उसके अकॉर्डिंग जब हमने इसकी एक्स की वैल्यू जो है यहाँ 1/√2 जा रही थी तो 1/√2 लिख दी, इक्वल टू साइन टी चला, इसकी वैल्यू साइन π/4 लिखी, साइन टी था तो साइन टी आपका हो गया साइन π/4, तो टी टेंड्स टू, दोनों तरफ साइन हटा देंगे, सो टी टेंड्स टू π/4 होगा, परफेक्ट है ना। तो ऐसा लिखा जा सकता है और ये चेंजेस इसमें डाल देंगे। सो व्हेन एक्स टेंड्स टू 1/√2 तो हमें मालूम चल गया देयरफॉर, सो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ये एक्चुअल में सब्स्टिट्यूशन बोला जाएगा इसको, और इसको थोड़ा मैं थियोरेटिकली सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ, लिमिट टी टेंड्स टू π/4 लिख दो और एक्स की जगह साइन टी लिख दो। देखिए, एक्स की जगह साइन टी आप लिख दें माइनस कॉस ऑफ, और साइन इनवर्स एक्स की जगह हम लिखेंगे टी, ये कॉस टी हो गया डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ऑफ, और साइन इनवर्स एक्स की जगह टी, ये सारी वैल्यू सिंप्लीफाई हो गई, राइट। फिर अब एक काम करना बाकी है, लिमिट देखिए स्टेप बाय स्टेप दिखनी स्टार्ट हो जानी चाहिए मैथ्स के स्टूडेंट को कि अगला स्टेप क्या होगा। अगर ये आपको विजुअलाइज होने लग रहा है, वो चीज़ थोड़ा साफ दिखने लग रही है तो समझ लीजिए आप ठीक जा रहे हैं। मतलब इसका टेन टी को वन इसको साइन टी बाई कॉस टी, इसको भी साइन बाई कॉस में कन्वर्ट करना है, ये तो ठीक है, साइन टी माइनस कॉस टी लिखा जाएगा, 1 माइनस साइन टी बाई कॉस टी हो जाएगा, एंड दिस कैन बी रिटन एज लिमिट टी टेंड्स टू π/4 एंड दिस इज साइन टी माइनस कॉस टी डिवाइडेड बाई कॉस टी माइनस साइन टी, कॉस टी माइनस साइन टी एंड दिस इज द कॉस टी ऊपर चला जाएगा, तो इसको न्यूमरेटर में ले लो। अच्छा, इसको इससे कट तो कर दे लेकिन माइनस निकलेगा फिर, या तो इसमें से इसको बाहर माइनस निकाल लो या इसको निकाल लो,
ये साइन टी माइनस कॉस टी, ये कॉस टी माइनस साइन टी है, ठीक है। तो मैं इसको कट कर रहा हूँ और एक माइनस साइन बाहर निकाल रहा हूँ, तो यहाँ माइनस साइन ऐसा करो, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब कुछ बचा नहीं है, लिमिट टी टेंड्स टू पाई बाय फोर हो गया, और कॉस टी लिखा हुआ है, तो कॉस पाई बाय फोर 1/√2 होता है, सो दिस इज इक्वल्स टू -1/√2। देखिए दिस इज इक्वल्स टू -1/√2। तो ये एक तरीका है, इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग सब टी में चेंज हो जाते हैं, तो एक्चुअल में हम इनवर्स से फ्री हो जाते हैं। इनवर्स से जैसे ही फ्री होते हो तो बहुत ईजी होता है उसको वर्कआउट करना। तो जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हट जाएगा और सारे ये फंक्शन देखिए इस तरह से जब आ गए इस फॉर्म में, तो ये सब टी टेंड्स टू पाई बाय फोर चल गया और ये सारे ट्रिग्नोमेट्री के हैं, तो इस पे आप लिमिट जो है बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, वो आपके लिए आसान होता है इस तरह से। ये मुझे टफ लग दिख रहा था, इसमें अगर मैं लॉपिटल रूल लगाने के सोचूं या और कुछ करने का सोचूं तो और कोई फॉर्मूला मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा कि मैं इसमें डायरेक्ट यूज़ कर दूं, डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता है। इस पे ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया जाता है, देन वी फाइंड आउट दिस सॉल्यूशन।